हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं। शाहरुख क्यों हुए वायरल? लोगों ने क्यों करे ऐसे कमेंट्स? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आपको बता दें, कुछ समय पहले शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग के लिए स्पेन में थे। सोशल मीडिया पर एक्टर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई जिसमें उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफी दिखाई दे रहा है। शाहरुख अब 8-pack abs और एक नए हेयर स्टाइल में नजर आ रहे हैं। शाहरुख के इस लुक को देख उनके फैंस अपने फेवरेट स्टार की ओर मिसमराइज्ड हो गए हैं। वायरल हो रहे फोटोज में वो ग्रीन कार्गो पैंट में नजर आ रहे हैं। उनके लंबे बाल उनके रफ लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। शाहरुख की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वायरल हो रही तस्वीर में शाहरुख स्पेन की सर्दी में बचने के लिए जैकेट और ऊनी टोपी पहन रखी है। फिल्म के सेट से दीपिका पादुकोण की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख और दीपिका पठान के एक गाने के सीक्वेंस की शूटिंग के लिए स्पेन में थे। शाहरुख खान के प्रशंसक उनके किंग को वापस एक्शन फिल्म में देखने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने लीक हुई तस्वीरों पर दिल और आग वाले इमोजी से रिएक्ट किए। एक फोटो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, किंग इज बैक, क्या फिजिक है। आपको बता दें, पठान के निर्माताओं ने कुछ महीने पहले की शुरुआत में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की स्पेशियलिटी वाला एक टीजर जारी किया था। वीडियो में शाहरुख की एक झलक दिखाई थी और दीपिका और जॉन ने मेन कैरेक्टर पठान के बारे में बात की थी। पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में कहा था कि फिल्म को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्शन तमाशे के रूप में डिजाइन किया गया है। फिल्म पठान के सेट से लीक हुई इन तस्वीरों ने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। फोटोज को देखने के बाद अब लोग फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि शाहरुख की फिल्म पठान साल 2023 में रिलीज हो सकती है। पहले फिल्म के दिवाली 2022 में रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन शूटिंग समय पर पूरी ना हो पाने के कारण इसकी रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।